क्या मुद्दा है और किस लिए आए हैं सर आप? मैं दो चीज़ों के लिए यहाँ पे आया हूँ कि स्वतंत्र सेनानी इस मीरा भाईंदर में, इस मीरा भाईंदर का गौरव है और वो गौरव सम्मानित पूर्व इस शहर में सभी लोग पहचाने जाने, इसलिए उनकी याद में हम स्वतंत्र सेनानी का एक स्मारक जो है याद में यहाँ पे बना रहे हैं और उसका लोकार्पण ये 10 सितंबर के पहले हमारा करने की इच्छा है और इसलिए आज उसका डेकोरेशन सही तरीके से काम हो, उसका मुआयना करने आए थे हम, वो एक था। यहाँ पे जो फेरी वाले हैं इनके लिए, ये ठीक स्कूल के कॉलेज के सामने, मतलब स्कूल के पीछे जो हमारा मैदान है उसमें का एक हिस्सा हमने काट के मार्केट बनाने का निर्णय लिया है और गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी उसको मार्केट रिजर्वेशन करके डिक्लेयर भी किया है, तो वहाँ पे मार्केट बने ताकि ये फेरी वाले वहाँ पे जा सके और ट्रैफिक जो है वो कम हो। सर, यहाँ के ट्रैफिक को देखते हुए आपने कोई सलूशन निकाला है कि यहाँ पे शाम को या विमल डेयरी के पास आप देखिए एम्बुलेंस नहीं निकल सकती, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, शहर तेज़ी से बढ़ रहा है, लोक संख्या मीरा भाईंदर की हर साल 50,000 लोगों से बढ़ती है और समय समय पर इसका निवारण, लेकिन एक सबसे बड़ी उपलब्धि हमने मिली है कि गोड़बंदर मतलब दिल्ली दरबार होटल दाराज ढाबा से लेके एक लिंक रोड निकल रहा है जो जैसल पार्क जा रहे हैं उसमें का 25-30% काम हो भी चुका है रोड का, बाकी का मैंग्रोव के लिए इस परमिशन के लिए अटका, वो मिलने के बाद एक लिंक रोड बन जाएगा जिसके कारण ये जो नवगढ़ का ट्रैफिक है, जैसल पार्क का, वो सब उस लिंक रोड से बार बार निकलेगा और शहर में ट्रैफिक की समस्या का निवारण होगा। साथ ही साथ इस क्षेत्र में ये जो फेरी वाले रास्ते बैठे इनको अगर पर्याय व्यवस्था दी तो ये भी जगह खाली होगी तो ट्रैफिक की समस्या के अंदर सुधारना होगी, तो जैसे जैसे हमें मौका मिलता है, जो जो चांस मिलता है हम उसके अंदर सुधारना करते रहते हैं। सर, ये मार्केट कब तक बनके तैयार हो जाएगा? मैं कहूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 3 महीने का हमारा टारगेट है, 3 महीने में ये मार्केट हम बना लेंगे। तो ये फेरी वालों को आप फिर कहाँ जगह देंगे सर? ये फेरी वाले को परमानेंट जगह मिल जाएगी, ना उनको धूप की मार पड़ेगी, ना बारिश में भीगना पड़ेगा, ना धूप में तपना पड़ेगा, ये उन्हीं के हम परमानेंट मार्केट दे रहे हैं जहाँ उनको कोई वापस बेघर नहीं करेगा, कोई हफ्ता नहीं मांगेगा, कोई चंदा नहीं मांगेगा, सब चीज़ से वो मुक्त मिलेगी, उन्हें राहत मिलेगी। ये हमारा सपना है कि फेरी वाले को बैठने के लिए मार्केट मिले और जनता को चलने के लिए रास्ता मिले। नेता जी, एक लास्ट सवाल, अभी हमने परसों भी देखा कि नवगढ़ रोड में सैनिक के जो बाउंसर है वो गाड़ियाँ पलटी कर देते हैं, जैसे आपने बोला किसी को मारनी पड़ेगी, किसी को हफ्ते मारनी पड़ेगी, लेकिन फिजिकल यहाँ पे मारा जा रहा है, हमने परसों भी ये नहीं नहीं ऐसा है, मैंने ये कहा कि बहुत सारे लोग यहाँ के जो होते हैं कुछ अलग टाइप के लोग, वो किसी गाड़ी वाले से पैसा मांगते हैं बैठने का, कोई चंदे के नाम पे पैसा मांगता और ये मजबूरी में देते आ रहे, अब इनको जब परमानेंट मार्केट मिलेगा तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं। रहा सवाल जो हमारे कॉरपोरेशन की कार्रवाई का है, वो तो हम जगह पे गाड़ी को जो अगर नाप फेरी वाला क्षेत्र में बैठते और कार्रवाई होती तो जगह पे गाड़ी डिमोलिशन ही करते। अब ठीक है कि उतनी भीड़ में इतनी संख्या में लोग गाड़ियाँ लेके भागते, हम खींचते और उसके अंदर वो गाड़ियों का नुकसान होता है, ये मानता हूँ, तो गाड़ी तो हमें जब्ती करनी है और जब्त करने के बाद भी हमारे यहाँ पे पहले ऐसे होता था, गाड़ी जब्त करते थे लोग पीछे से छुड़ा के ले जाते फिर वापस गाड़ी लगती थी, इसलिए महानगर पालिका ने निर्णय लिया गाड़ी लो, जगह पर आप उसको डिमोलिशन करो और अपने साथ ले जाओ, तो इसलिए वो ऐसा लगता है कि बहुत अत्याचार हो रहा है, हालांकि वो गाड़ी जब्त करके हमें तोड़नी है और यहाँ पे वो तोड़ी इसलिए जाती है कि एक ट्रक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी जाए, नहीं तो एक ट्रक जब कार्रवाई को आते हैं 4 गाड़ियाँ जाती है, कार्रवाई ख़त्म हो जाती है। सर, मेरा अगला जो सवाल है वो ट्रैफिक के लेकर ही है, आने वाले दिनों में गणेश उत्सव और ये नवरात्रि है, तो तब तक टेम्प्ररी क्या व्यवस्था की जा सकती है जिससे ये ट्रैफिक की समस्या हल हो? भाई साहब, अगर आप 2.5 साल पहले 3 साल पहले देखें तो रोड सारे छोटे थे, आज तो हमने नवगढ़ रोड हो, बीपी रोड हो, ये सभी रोड जहाँ पे आप खड़े ये सब हमने चौड़े किए, तो ट्रैफिक की समस्या होती है वैसे वैसे निवारण करते, आज पूरे शहर के बहुत सारे मुख्य रास्ते हमने बड़े किए, सबवे यहाँ तक शुरू है, तो ट्रैफिक का तो अपने समय के हिसाब से, बढ़ती आबादी का शहर है, जूना शहर है, छोटे रोड है, तो ये थोड़ा बहुत तो प्रभाव रहना स्वाभाविक ही है। सर, ट्रैफिक डिपार्टमेंट और महानगर पालिका की तरफ से जो वार्डन्स हैं वो कई जगह पे बैठे हुए नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पे मुख्य जो स्पॉट्स है, जंक्शन है, वहाँ पे ट्रैफिक होती है, लेकिन वहाँ पे कोई भी वार्डन नज़र नहीं आता। आपको बता दूँ कि मीरा भाईंदर शहर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट है ही नहीं, अब मीरा भाईंदर जो है कमिश्नरेट हो गया, आप सब जानते हो कैबिनेट में हुआ, 1 नवंबर से माननीय मुख्यमंत्री जी मीरा भाईंदर को कमिश्नरेट शुरू कर देंगे, तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक पूरा अलग से होगा जिसको एक डीसीपी मॉनिटर करेंगे और उनके पास अपना
ACP, अपने PI, अपने PSI, ये सारा एक वर्ग होगा, तो जिसके कारण ट्रैफिक के अंदर बहुत बड़ा एक समाधान मिलेगा। जो बिगर परमिशन के रोड पे पार्किंग करती है तो पार्किंग नहीं होगी। आज अधिकतर लोगों ने रोड पे पार्किंग की, इसलिए भी ट्रैफिक है। तो आज इतनी बड़ी यंत्रणा इस शहर में नहीं है, इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने इसको, और हमारा वचननामा था कमिश्नरेट, ये कमिश्नरेट हो गया। अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होने के बाद ये सारी समस्याओं का निवारण होगा। धन्यवाद।